इमेजिन कीजिए आप एक ऐसी दुनिया में जाना चाहते हो जहां हर कुछ आपकी मर्जी से हो, या यू कहें तो आप कभी भी कहीं भी किसी के भी साथ एक ही जगह बैठे बैठे जा सकते हैं। तो शायद आपको लगेगा कि ये मजाक है, लेकिन ये जल्द ही हकीकत बनने वाला है। इस सपने को पूरा करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं फेसबुक के CEO मार्क जकरबर्ग। नमस्कार, स्वागत है आपका एडसेन न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ निशा कश्यप। कुछ दिनों से गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया गया शब्द मेटावर्स। मेटावर्स जिसे कुछ लोग इसे फेसबुक के बदले हुए नाम की तरह जानते हैं। हम इस वीडियो में बताएंगे कि मेटावर्स से जुड़े कुछ खास बिंदुओं के बारे में, जैसे कि इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, कब तक ये हमारे बीच आ जाएगा। जितना सुनने और पढ़ने में ये शब्द छोटा है, उतना ही इसका काम बड़ा है, शायद आपके सोच से भी परे। एक बात और जिस पर हमें खास ध्यान देने की जरूरत है वो ये है कि जब सब कुछ मर्जी और सोच से बेहतर होने लगे, मतलब खतरा हमारे आसपास ही है। हर चीज में अच्छाई के साथ बुराई भी मौजूद होती है। मेटावर्स जहां इंटरनेट की दुनिया में रेवोल्यूशन ला रहा है, वहीं ये हमारी जिंदगी पर वर्स इफेक्ट भी डालेगा। हर कोई इसके फायदे की बात कर रहा है, लेकिन आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि कितने और क्या नकारात्मक प्रभाव है मेटावर्स के। पहले आपको बता दें कि खबरों के पोस्टमार्टम सीरीज में हम लेकर आएंगे देश और दुनिया के चुनिंदा और अहम मुद्दे, उससे जुड़ी एक एक बारीकी और उनके विश्लेषण। शुरुआत करते हैं सीरीज के एपिसोड 6 को, जिसका नाम है खबरों का पोस्टमार्टम। सबसे पहले आपको बता दें कि मेटावर्स शब्द क्यों है चर्चा में। दरअसल मेटावर्स भले ही आज अचानक से चर्चा में आया है, लेकिन ये काफी पुराना शब्द है। ऐसे में जानना दिलचस्प होगा कि मेटावर्स शब्द कहां से और कब पहली बार पढ़ा या सुना गया। बता दें कि साइंस फिक्शन स्नो क्रैश पर एक बेहद लोकप्रिय नॉवल है, जिसे अमेरिकन लेखक नील स्टीफेंसन ने लिखा है। इस साइंस फिक्शन में मेटावर्स शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया गया था। इस नॉवल की कहानी में रियल दुनिया यानी कि हकीकत की दुनिया के लोग वर्चुअल वर्ल्ड यानी कि इमेजिनरी वर्ल्ड में प्रवेश करते हैं, और इस तरह उसकी कहानी आगे चलती है। ये नॉवल 1992 में प्रकाशित हुआ था। साइंस फिक्शन के बारे में जानने वाले लोग आज भी इस नॉवल को पढ़ना काफी पसंद करते हैं। इसमें साइंस के अलावा कंप्यूटर, क्रिप्टोकरेंसी, धर्म और फिलोसफी आदि कई विषयों पर चर्चा की गई। इसी के तहत मेटावर्स शब्द का इस्तेमाल किया गया। दूसरा सवाल कि क्या है मेटावर्स। आसानी से समझे तो ये एक एप्लीकेशन है। मेटावर्स वर्चुअल रियलिटी की तरह लगता है, लेकिन कुछ लोग का मानना है कि ये इंटरनेट का भविष्य हो सकता है। एक कंप्यूटर होने के बजाय लोगों को मेटावर्स में एक हेडसेट के जरिए वर्चुअल दुनिया यानी कि इमेजिनरी वर्ल्ड में सभी तरह के डिजिटल परिवेश पर अपनी पहुंच बना सकता है। उम्मीद की जाती है कि वर्चुअल दुनिया में काम, खेल, कॉन्सर्ट से लेकर दोस्तों और परिवारों से संपर्क सब कुछ संभव है। फेसबुक ने कहा है कि उसका इरादा 1 दिसंबर से न्यू स्टॉक टिकर MVRS के तहत शेयर मार्केट में उतरना है। आगे आपको बताते हैं कि इससे आपका इंटरनेट इस्तेमाल करने का तरीका कितना बदलेगा। इसे कुछ उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप वर्चुअल वर्ल्ड में किसी सड़क किनारे टहल रहे हैं। एक दुकान पर आपको कोई चीज पसंद आए जो आप खरीदना चाहते हो। आप उस दुकान पर गए और डिजिटल करेंसी से उस चीज को खरीद लिया। अब वो सामान रेसिडेंशियल एड्रेस यानी कि जहां आप रहते हैं वहां पर डिलीवर हो जाएगा, यानी आपको वर्चुअली शॉपिंग एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन ये शॉपिंग रियल होगी। अगला उदाहरण, आप इंटरनेट पर जब किसी से बात कर रहे होंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप एक दूसरे के सामने ही बैठे हैं, भले ही आप एक दूसरे से सैकड़ों मील दूर हो। तीसरा सवाल, मेटावर्स कैसे करता है काम और मेटावर्स में किन किन चीजों का इस्तेमाल होता है। मार्क जकरबर्ग ने मेटावर्स को एक वर्चुअल एनवायरनमेंट कहा है। जकरबर्ग के मुताबिक आप महज स्क्रीन पर देखकर एक अलग दुनिया में जा सकेंगे, जहां आप लोगों से वर्चुअल रियलिटी हेडसेट, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी चश्मे, स्मार्टफोन ऐप आदि के जरिए जुड़ सकेंगे, गेम खेल सकेंगे, शॉपिंग कर सकेंगे और सोशल मीडिया इस्तेमाल कर सकेंगे। मेटावर्स में आप आभासी रूप से वो सारे काम कर सकेंगे जो आप आमतौर पर करते हैं। जकरबर्ग ने कहा कि मेटावर्स टेक्नोलॉजी के जरिए लाखों लोगों को नौकरी भी मिलेगी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मेटावर्स नाम ही क्यों चुना गया जबकि विकल्प और भी मौजूद थे। इस पर जकरबर्ग ने कहा कि उन्होंने मेटा नाम इसीलिए चुना क्योंकि ग्रीक में इसका मतलब बियॉन्ड होता है। इससे मेटावर्स का भी संकेत मिलता है जिसे जकरबर्ग निर्मित करना चाहते थे, लेकिन फेसबुक की ये कोशिश सफल रहेगी इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। जिस वक्त को जकरबर्ग ने ऐसा करने के लिए इसे चुना है उससे यही लगता है कि रीब्रांडिंग की कोशिश है।
अभी कंपनी को लेकर तमाम तरह की नकारात्मक रिपोर्ट्स आ रही थी और जकरबर्ग इससे ध्यान हटाना चाहते थे। आलोचकों का कहना है कि फेसबुक ने मेटा नाम इसलिए बदला क्योंकि इसकी ब्रांड छवि धूमिल हो गई थी, इसीलिए जकरबर्ग फेसबुक का नाम बदलने का बस एक ढोंग रच रहे हैं। अगला सवाल, मेटावर्स का एक्सपीरियंस आपको कब तक मिल सकता है? फेसबुक के ऑफिशियल ब्लॉग के मुताबिक कंपनी अभी मेटावर्स बनाने की शुरुआती फेज में है। मेटावर्स को पूरी तरह से डेवलप होने में 10 से 15 साल का समय लगेगा। साथ ही ये समझना भी जरूरी है कि मेटावर्स को कोई एक कंपनी नहीं बना सकती, ये अलग अलग टेक्नोलॉजी का एक बड़ा सा जाल है जिस पर कई कंपनियां मिलकर काम कर रही हैं। अगला सवाल ये है कि मेटावर्स पर फेसबुक शुरुआती फेज में कितना खर्च करेगी? कंपनी मेटावर्स पर $10 बिलियन यानी करीब 75,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कंपनी की ये विंग ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी पर काम करेगी। इसका इस्तेमाल कर यूजर वर्चुअल वर्ल्ड में एक्सपीरियंस ले सकेंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए फेसबुक 10,000 लोगों को हायर करने का ऐलान भी कर चुकी है। अब आखिर सवाल कि क्या मेटावर्स कोई खतरा तो नहीं? पिछले दिनों प्राइवेसी को लेकर काफी हो हल्ला हो रहा है। सरकार, ट्विटर और फेसबुक के बीच निजता को लेकर कई बार इस मुद्दे को उठाया जा चुका है। जब वर्चुअल वर्ल्ड और इंटरनेट की बात होती है तो सबसे पहले प्राइवेसी की सुरक्षा ही दिमाग में आती है। हर आदमी अपनी प्राइवेसी को बचाना चाहता है, कोई नहीं चाहता कि उसकी निजी बातें, रिलेशनशिप, गतिविधि, रुचि, अरुचि समेत उसके परिवार आदि जैसे तमाम चीजों के बारे में किसी और को पता चले। मेटावर्स वो तकनीक है जहां रियल और वर्चुअल दुनिया के बीच की खाई को बहुत हद तक कम कर देगा। ऐसे में जाहिर है कि जब इतने व्यापक रूप से तकनीक का इस्तेमाल होगा तो आपकी प्राइवेसी को खतरा है। कंपनियां हमारे जीवन, निजी डेटा और हमारे निजी बातचीत पर नियंत्रण कर सकेगी। वहीं दूसरी ओर आम नुकसान ये है कि नए जनरेशन में पहले से ये समस्या थी कि वो मोबाइल, स्मार्टफोन, कंप्यूटर का इस्तेमाल करके सामाजिक दुनिया से दूर होते जा रहे हैं, लेकिन अब मेटावर्स के आ जाने से इस परेशानी को पर लग जाएंगे। ये तो थी मेटावर्स से जुड़ी एक विशेष रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहें खबरों के पोस्टमार्टम के साथ और देखते रहें एचसीएन न्यूज़। धन्यवाद।